हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट आपको पढ़ा रहा हूं। बच्चों आज हमारे पास लेक्चर है बच्चों, टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, और उसके बाद जो लेक्चर है वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लेंथ क्या है? लेंथ का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। द लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। बच्चों किसी प्लेन में दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे लेंथ। देखिए बच्चों, मेरे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, फिर ए से बी तक जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे बच्चों? लेंथ कहेंगे। बच्चों किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम लेंथ कहेंगे। तो बच्चों ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। बच्चों अगर मैं कहूँ ये बोर्ड है बच्चों, इस पॉइंट से लेके इस एंड तक जो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? ये सारा डिस्टेंस, इसको लेंथ कहेंगे, बोर्ड का लेंथ कहेंगे। बच्चों यहाँ से लेके ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस, ये भी लेंथ है। तो बच्चों लेंथ क्या है? दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम लेंथ कहेंगे। बच्चों लेंथ की बहुत सारे यूनिट्स हैं। बच्चों लेंथ को हम मीटर से भी नापते हैं बच्चों, लेंथ का बच्चों इंच से भी नापते हैं बच्चों, और बहुत सारे यूनिट्स हैं लेंथ की, यार्ड भी है, फिट भी है, बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसके जरिए से हम लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों लेकिन उसके एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे मीटर के बारे में। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो क्या है बच्चों? मीटर एसआई यूनिट में, इसका मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जो यूनिट वो है मीटर। बच्चों देखिए मीटर का डेफिनेशन क्या है? मीटर कितना डिस्टेंस हो उसको मीटर कहें। क्या इतनी डिस्टेंस को मीटर कह सकते हैं? या यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस को मीटर कह सकते हैं? या यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक ये डिस्टेंस इसको मीटर कह सकते हैं? बच्चों मीटर का प्रॉपर डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक हम मीटर को डिफाइन करेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ सेकेंड। बच्चों क्या लिखा हुआ है? 2997924 58। बच्चों एक सेकंड की कितने पार्ट में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करे उसे बच्चों हम कहेंगे एक मीटर। क्या बच्चों? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड की कितने पार्ट में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे हम वन मीटर कहेंगे। देखिए बच्चों ये वही वैल्यू है, मैंने क्या किया वन को डिवाइड किया इस वैल्यू से, वैल्यू कितना आया? 0 पॉइंट। बच्चों ये सारा वैल्यू आ रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों, इतनी पार्ट एक सेकंड की इतनी पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करे बच्चों हम कहेंगे भाई वो एक मीटर है। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि एक मीटर क्या है बच्चों? बच्चों इतनी सेकंड में लाइट जितना भी डिस्टेंस कवर करे उसे हम कहेंगे एक मीटर। चलिए बच्चों बहुत सारे और भी यूनिट है मीटर लेंथ के। बच्चों हमारे पास क्या है? किलोमीटर है बच्चों। एक किलोमीटर में क्या कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। एक इंच में 2.53 सेंटीमीटर, 12 इंच, मुझे एक फिट में 12 इंच होंगे, एक यार्ड में 3 फिट होंगे। तो ये क्या है बच्चों? ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बच्चों मैं कहूँगा 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? आपको 2000। 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बच्चों? आपको 3000। तो बच्चों क्या है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आप याद रखना। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों समझते हैं कि मीटर रॉड क्या है या इंची टाइप क्या है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं बच्चों? मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का। चलिए उसको समझते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं कि मीटर रूल क्या है या मीटर रॉड क्या है। देखिए बच्चों मीटर रूल से क्या करते हैं बच्चों? हम मेयर करते हैं किसी चीज़ का, लेंथ का मेयर करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? अ मीटर रूल्स डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेयर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेयर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं। आपने देखे होंगे स्केल्स, वो जो स्टील के भी स्केल होते हैं, वुड के भी स्केल होते हैं बच्चों, उन स्केल से क्या करते हैं? हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के रखा है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या है? ये हमारे पास मीटर रूल है बच्चों। क्या मीटर रूल? या मीटर रॉड, जिसके जरिए क्या करते हैं बच्चों? हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखें ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। बच्चों देखें 1 मीटर का होगा तो उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे बच्चों? 100 सेंटीमीटर जब एक स्केल में होंगे तो बच्चों हम कहेंगे भाई वो 1 मीटर का स्केल है। लेकिन बच्चों आपको देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, कितने छोटे छोटे डिवीजन है बच्चों? आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिवीजन है बच्चों? जो 10 डिवीजन है, कितने बच्चों? 10 डिवीजन हमारे पास कितने बच्चों? 1 सेंटीमीटर में। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन होंगे बच्चों? 10 डिवीजन होंगे 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को 10
10 मिलीमीटर। मुझे देखिए ये छोटे जो डिवीजन होते हैं इनको मिलीमीटर कहते हैं, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, मुझे इनको क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। बच्चे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, लीस्ट काउंट। बच्चों हमारे पास मीटर रॉड में सबसे जो छोटी मेयरमेंट है वो कौन सी है बच्चों, मीटर रॉड से 1 मिलीमीटर हम मेयर कर सकते हैं, उससे कम मेयर नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर क्या करते हैं बच्चों, हम इससे मेयर कर सकते हैं। क्या लिखा है बच्चों, 1 मिलीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ मीटर रॉड। बच्चों मीटर रॉड की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, या 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं लिखूँ इसको 0.1 सेंटीमीटर, क्या लिखूँ मुझे 0.1, इसको 0.2, इसको 0.3, बच्चों अब तो यहाँ क्या होगा 0.9, और लास्ट में क्या होगा बच्चों 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों हम 0.1 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से बच्चों, मीटर रॉड से। क्या बच्चों हम कर सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर मीटर रॉड से, नहीं बच्चों 0.1 सेंटीमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर रॉड से, लेकिन 0.01 नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब बच्चों कम से कम जो मेयरमेंट हमें मीटर रॉड से मिलेगी बच्चों वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। क्या बच्चों 0.1 सेंटीमीटर हम काउंट कर सकते हैं, किसमें बच्चों, मीटर रॉड, मीटर रूल में। तो बच्चों मेरे ख्याल में आप समझ आ गया कि मीटर रूल से 0.1 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इससे ज्यादा 0.01 हम किस में करेंगे, तो वर्नियर कैलिपर में करेंगे। तो बच्चों वर्नियर जब कैलिपर पढ़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि हम जो ये मीटर जो रूल है उससे भी ज्यादा एक्यूरेट, उससे ज्यादा अच्छा जो अच्छी रीडिंग है बच्चों वो हम ले सकते हैं किसमें, वर्नियर कैलिपर में। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ओके बच्चों।